नमस्कार, मैं नीता शर्मा। आज मैं आपको रवा की इडली बनाना बताती हूँ, जिसे मैंने बिना इनो के बनाया है। मैंने आधी किलो रवा लिया है, इसको एक डोंगे में डाल देते हैं, एक कटोरी दही और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे, मिलाएंगे। हमें इस तरह से घोल बना के तैयार करना है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, रवा फूल करके तैयार है। अब इसमें मैं आधी चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्मच देसी घी इसको और फेंटेंगे। अब सांचों में भरने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने ब्रश से इसमें घी लगाया है, आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा करके हम सांचों में इसको भर देंगे। हमें ज़्यादा नहीं भरना है, ज़्यादा भरने से हमारी इडली बाहर निकल जाएगी। अब इडली को हम स्टैंड में रख देते हैं। 15 मिनट के लिए हमें इसको ढक के रख देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी सी फूल गई है। ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं। एक चक्कू से मैंने इसे चेक किया है, इडली बन करके तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर इसलिए इडली को हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी इडली कितनी अच्छी सी फूली है। इसी तरह से हम सारी इडली बना लेंगे। इडली बन करके तैयार है, आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।